प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 13x, तो कितने पद है? एक पद है, कितने पद है? एक पद, यानी यहां पर लिख देंगे एक पद। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितने पद है, एक्स प्लस वाई, प्लस वाई यानी दो पद अलग अलग हो गए, एक ये तो इधर एक्स और दूसरा इधर वाई, बीच में प्लस का निशान लगा, यानी एक पद ये और एक पद ये, यानी कितने पद हो गए? दो पद। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कितने पद है, एक और ये दो और ये तीन, यानी कितने पद है? तीन। क्वेश्चन नंबर चार में एक पद ये और दूसरा पद ये, यानी कितने पद है यहाँ पर? दो पद, दो पद। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री ज्ञात करो। डिग्री में से होता है घात। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस दो आई प्लस तीन। पहले ज्ञात करना है व्यंजक की डिग्री, फिर उनके पदों की डिग्री। तो इसमें व्यंजक, व्यंजक की डिग्री मतलब होता है सबसे अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितनी है? दो, यानी व्यंजक की डिग्री कितनी होगी? दो। जब होता है उनकी पदों की डिग्री, तो पदों की तीन पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो प्रत्येक की डिग्री बताते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है? दो, यानी घात कितनी है? दो। इसमें चरों का, चरों की घात मानी जाती है एक्स वाई जेड है ए टू जेड, तो वाई की घात कितनी है? एक। और यहाँ पर एक्स वाई जेड तो है नहीं, तो यहाँ पर उसकी घात होगी जीरो। फिर यहाँ पर देखते हैं व्यंजक, व्यंजक की डिग्री कितनी है, घात कितनी है यहाँ पर? तीन। और पदों की डिग्री देखते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है? घात तीन। और इनकी एक इसकी है, दो एक्स की, यानी तीन डिग्री इसकी भी है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री वाला अधिकतम घात, अधिकतम घात है एक्स की घात चार, यानी व्यंजक की डिग्री होगी चार, यानी व्यंजक की घात कितनी होगी? चार। और प्रत्येक की डिग्री देखते हैं, चार इसकी है एक्स की, और इसमें दो और एक तीन, यानी तीन, और इसमें घात एक, इसमें एक्स की घात जीरो, यानी है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर चार में वाई स्क्वायर प्लस पांच, यानी इसमें अगर व्यंजक की डिग्री कही जाए सबसे पहले, तो व्यंजक की डिग्री होगी दो अधिकतम घात, और पदों की डिग्री, तो पहले पद की डिग्री कितनी है, यानी घात कितनी है? दो। इसमें एक्स या वाई जेड है नहीं, यहां पर इसकी डिग्री कितनी है? जीरो। प्रश्न नंबर तीन, निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। पांच एक्स स्क्वायर वाई जेड द्विपद व्यंजक है? नहीं, ये एक पदी व्यंजक है। कितने पद है इसमें? एक, द्विपद नहीं है, अतः यह कथन क्या है? असत्य। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस दस द्विपद व्यंजक है? दो पदी है? नहीं, ये तीन पदी, इसमें कितने पद है? तीन, यानी ये भी कथन असत्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो एक्स स्क्वायर सात एक्स स्क्वायर दो पदी व्यंजक है? सही है, क्योंकि इसमें दो पद है, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, कथन क्या है? सत्य। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी द्विपद व्यंजक है? गलत, एक दो तीन, तीन पदी व्यंजक है, यानी कथन क्या है? असत्य। प्रश्न नंबर चार, निम्नांकित में एक पदी दो पदी एवं त्रिपदी छाटिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तीन एक्स वाई प्लस सात, देखते हैं इसमें कितने पद है, एक ये और एक ये, यानी ये कुछ पद कैसा है? द्विपदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें कितने पद है? एक पद, यानी ये कैसा है? एक पदी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कितने पद है? एक पद, दो पद, तीन पद, यानी त्रिमेंस तीन पदी। क्वेश्चन नंबर चार, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स वाई, इसमें कितने पद है? एक और ये दो, यानी ये कैसा पद है? द्विपदी। क्वेश्चन नंबर पांच, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, एक पद, दो पद और तीन पद, यानी ये कैसा है? त्रिपदी। प्रश्न नंबर पांच, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस सात एक्स वाई प्लस दस, पदों की दृष्टि से कैसा व्यंजक है? पदों की दृष्टि से एक दो तीन, त्रिपदी व्यंजक, पदों की दृष्टि से त्रिपदी व्यंजक है। प्रश्न नंबर छह, नसरीन के पास तीन एक्स आम है, उसने दो आई आम अपनी बहन अबीना को दे दिए। ज्ञात कीजिए नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। कितने नसरीन के पास कितने आम थे? तीन एक्स थे, उसने दो आयाम अपनी बहन एवीना को दे दिए, यानी दो आयाम दे दिए, तो कितने बचे?
इतने आम में से इतने आम घटा दिए, तो यानी शेष आम कितने बचे, 3x में से 2x 2i, घटा देंगे आंसर, बस इतना ही होगा, क्योंकि सजाती पद तो है नहीं जो घट जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर सेकेंड, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, ये जो शेष आम है इसमें कितने पद हैं, एक और दो, यानी कितने पद हैं, दो पद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, दो पदी द्वि पदी व्यंजक, कितने पद हैं, दो पदी। अभ्यास 6C द एन। अगर दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।